कितना चल लेते हो ऐसे लगातार? 200-400 मीटर, 500 मीटर? काम तो मैं ही करता हूँ। नहीं, अगर लगातार मान लो सैर करनी हो तो एक आध किलोमीटर चल लेते हो? एक आध किलोमीटर से चल लूंगी, बट ना पेन फील होता है, मतलब पेशी मारती है। एक बार फिर जाइए, लग के जैसे 5 मिनट खड़ा होना तो खड़ा नहीं हो जाता। 5 मिनट से ज़्यादा मतलब बीच बीच में रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। सो देर इज़ वेरस डिफॉर्मिटी एंड पेशेंट इज़ अवॉइडिंग बेंडिंग द नीज, क्योंकि नी पेनफुल है तो पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हैं, लेग को ज़्यादा बेंडिंग नहीं कर रहे हैं। और पैर ऐसे टेढ़े भी हो गए हैं। दिखाइए, जैसे गैप आ गया ना बीच में। तो दिस इज टिपिकल वेरस डिफॉर्मिटी। एंकल का डिस्टेंस कम है, नी का ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि पैर ऐसे बो लेग्स हो गई हैं। अच्छा, ऐसे एक एक सीढ़ी करके चढ़ो। हाँ, और ये कितने सालों में कम हुई है स्पीड? पिछले लगभग 2 साल में ज़्यादा कम हुई है। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। पीछे 5-6 महीने बहुत ज्यादा हो। जी जी, 21 में कुछ ऐसे हुआ है दर्द। हाँ हाँ, उसके बाद भी मैं काफी एक्टिव थी, मैं फरवरी से थोड़ा कम हो गया। हाँ। तो पेन किलर लेने पड़ते हैं रोज? नहीं, मैंने डेली नहीं ली, अभी भी इतना पेन है, बट मैंने डेली नहीं ली। जैसे रेगुलर नहीं लेते? मैंने कभी नहीं ली। अच्छी बात है। अब वहाँ पता जैसे थोड़ा ज्यादा थी, कभी मैं चौथे दिन मतलब 3-4 दिन से भी गैप कर देती हूँ, कभी नहीं। जी जी जी, सारा खुद ही करते हैं? हाँ, खुद ही किया मैंने। अच्छा, लेट लेट वहाँ पे मिलती नहीं, बहुत कम मिल पाती। कहाँ रहते हैं? जेवर के, जेवर से आगे जहांगीरपुर कस्बा, सुना होगा शायद। जेवर सुना है? जेवर से नाम है। हाँ, ऐसे। तो ये मार्किंग कर रहे हैं आपकी, और इसमें हम अलाइनमेंट देखेंगे कि आपका पैर कितना टेढ़ा है, ठीक है, इसे चेक करेंगे। तो ये हमारा है एंकल जॉइंट, ये नी जॉइंट, और ये है हिप जॉइंट। तो नॉर्मल इंसान में ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए, लेकिन जब टांगे टेढ़ी हो जाती है तो घुटना उस लाइन से बाहर चला जाता है। तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं। पेन तभी हो रहा है ना? जी जी जी, क्योंकि अंदर की तरफ स्पेस कम हो गया तो पैर टेढ़ा, पेन ज़्यादा है अंदर की तरफ, पेन ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एंकल पे है ये पॉइंट, और ये हिप पे है। तो ये देखिए, नी है ना बाहर की तरफ आ गया जब, और जब हम इसकी सर्जरी करते हैं तो ये कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं। रोबोटिक सर्जरी का ये फ़ायदा होता है कि हम पूरी, आपका सीटी स्कैन हुआ ना, उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं। तो जब हम लास्ट में आपको जब ठीक हो जाएंगे, जब ये चेक करेंगे तो एक लाइन में आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमने कनेक्ट किया लेकिन नी सेम लाइन में नहीं आ रहा जी। तो हिप, नी और एंकल एक लाइन में होना चाहिए, पेन हो रहा है, तभी इंसान ठीक चल पाता है। अच्छा, एक बात और अभी आपसे करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं रहती हूँ अकेली। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हम दोनों रहते हैं, बच्चे रहते हैं यही नोएडा। तो इतना सही कर दो कि मतलब मुझे मतलब प्रॉब्लम ना हो, जैसे काम करने में कुछ करने में, जल्दी रिकवरी हो जाए। 3-4 हफ्ते में आपको किसी की जरूरत नहीं, हेल्प के लिए कोई है नहीं एक्चुअली। नहीं नहीं, ठीक, अब बहू भी वर्किंग में है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ है, जैसे समझ लो आप। करना ही पड़ता है परिवार में आपस में, इतना तो करना ही है, और कब करेंगे। घुटना मोड़ के दिखाइए, कितना मुड़ रहा है? तो बस डेली मोड़ती हूँ, हाँ, कट कट की आवाज़ आती है। हाँ, इसको हम क्रेपिटस कहते हैं। तो ये क्रेपिटस है काफ़ी ज़्यादा, ये मोड़िए। लेकिन जब रात को लेट जाती ना तो जब सीधे कम तो बहुत दर्द होता है, मुड़ जाए तो सीधे नहीं होते, सीधे तो जब हम घुटना देखते हैं ना, तो हमें साथ साथ ये भी देखना होता है कि हिप जॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कई बार दर्द इसका भी आ जाता है यहाँ पर। वो मैंने देखी आपकी वीडियो जी। ठीक है। अच्छा, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, सुन तो नहीं है कहीं पे? नहीं, सुन पर नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम पल्सेशन देख रहे हैं, सुन देख रहे हैं, हम ये भी देखते हैं साथ साथ कि रीढ़ की हड्डी की वजह से दर्द तो नहीं है। कई बार रीढ़ की हड्डी में नुक्स होते हैं तो भी यहाँ दर्द होता है। तो हम वो सारी चीज़ें रूल आउट कर रहे हैं ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। जी हाँ, ये चाहती हूँ। हाँ जी, पंजा चलाइए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों? उसके कारण हैं, एक तो आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरा आप एक्टिव हैं, आप अभी तक भी काम कर रहे हैं अपना, काम सारा किया, तीसरा आपने पेन किलर ज़्यादा नहीं खाए, तो ये चीज़ें हमारे फेवर में हैं। और इस टाइम भी आपकी मूवमेंट ठीक ठाक है, कुछ लोगों का तो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ना घुटना, आपकी मूवमेंट एक्सरसाइज करते हो और काम भी करते, तो इन चीज़ों का अब आपको फायदा मिलेगा आगे कि आपका रिजल्ट और रिकवरी बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, वही करेंगे, रोबोटिक MIS। नहीं, ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी, शुरू में थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, 3-4 हफ्ते, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी, करें है शुरू। ये एक्सरे है मिसेज अजय सिंह का सर्जरी से पहले। तो किसी भी नी में अगर हम इस नी को देखते हैं तो इसमें दो बोन्स, ये फीमर है और ये टिबिया है, ये इनके बीच में हमारा जॉइंट है नी जॉइंट। तो जब एक नॉर्मल नी जॉइंट होता है तो उसमें फीमर और टिबिया के बीच में ऐसे गैप होना चाहिए। ये गैप क्यों होता है? क्योंकि दोनों बोन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है दोनों तरफ, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, और कार्टिलेज क्योंकि एक्सरे में विजिबल नहीं है तो हमें गैप दिखाई देता है, और गैप होना इज नॉर्मल। अगर गैप ठीक है तो इसका मतलब हमारा कार्टिलेज हेल्दी है, हमारा घुटना ठीक है। लेकिन ये है आउटर पार्ट, जब हम अंदर की तरफ आते हैं घुटने में, यहाँ पर आप देखिए जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है, बोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट टच कर रही हैं, क्योंकि आर्थराइटिस से कार्टिलेज ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया है, देयर इज़ नो कार्टिलेज लेफ्ट नाउ। इसी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है। रीज़न कि जो कार्टिलेज होता है उसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, इसलिए कोई पेन नहीं होता है, बट जो बोन है दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, उसमें जब वो आपस में टच करेंगे दो बोन्स तो वहाँ पेन होगा। अब सर्जरी में हमें करना क्या है? हमें इस गैप को रिक्रिएट करना है। इसी तरह आप देखें लेफ्ट साइड में, यहाँ भी जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ठीक है। नॉर्मली पेशेंट को यहीं पर घुटने के अंदर की तरफ दर्द शुरू होता है, तो जब हम सर्जरी करते हैं तो उसमें जब इम्प्लांट लगाते हैं, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पूरा घुटना चेंज हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ हम ये गैप को रिक्रिएट करते हैं, रीसरफेसिंग करते हैं, जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है उसको सेरेमिक से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं सर्जरी के बाद वाला एक्सरे। ये मिसेज अजय सिंह का हम एक्सरे देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, जो आप एंगल पहले देख रहे थे कि टिबिया हमारी अंदर की तरफ चली जाती है, अब वो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। दूसरा आप देखेंगे कि गैप जो पहले नहीं था वो हमने क्रिएट कर दिया, ये देखिए दोनों इम्प्लांट्स के बीच में गैप है। बेसिकली यहाँ पर पोली होता है, प्लास्टिक होता है, जो एक्सरे में दिखाई नहीं देता है। तो ये इनका अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है कि जो अब वेट बेयरिंग है, क्योंकि हिप नी और एंकल एक ही लाइन में आ गए हैं, तो पेशेंट का वेट बेयरिंग स्ट्रेट लाइन में होता है। जब पेशेंट की लेग कर्वेचर में रहती है, टेढ़ी रहती है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, और कई बार जब हम नी रिप्लेसमेंट को बहुत डिले करते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो अब पेशेंट जितना भी चलेगा उनकी बोन और मसल स्ट्रांग होती चली जाएंगी, एंड क्योंकि हमने सेरेमिक इम्प्लांट डाला है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और कुछ दिनों के बाद इनकी मूवमेंट जब बढ़ेगी तो ये अपनी डेली एक्टिविटीज़ के सारे काम कर पाएंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अजय सिंह का आज हम सर्जरी के बाद देख रहे हैं, कितने महीने हो गए सर्जरी के? 6 महीने हो गए। तो अब हम देखते हैं इनके अलाइनमेंट। आज देखिए हमने इनका एंकल का सेंटर, नी का सेंटर दोनों तरफ मार्क किया है, सर्जरी से पहले भी किया था हमने, और आज हम चेक कर रहे हैं सर्जरी के बाद कि अलाइनमेंट कैसी है। ये हमारा हिप जॉइंट है, तो ये देखिए इनका एंकल, हिप और नी तीनों एक लाइन में आ रहे हैं। पहले ये सेंटर हमारा यहाँ पड़ रहा था बाहर की तरफ, क्योंकि पैर टेढ़ा था हमारा। ठीक है, ये देखो, ये देखिए
अब इनका जो नी का सेंटर है वो हमारी सेम लाइन में आ रहा है, देखिए बिल्कुल सेम लाइन में, और बीच में पहले गैप था कुछ हमें याद है, पहले आपके एंकल के बीच में गैप नहीं था, घुटने के बीच में गैप था, अब घुटने आपस में टच कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो यही फायदा होता है रोबोटिक सर्जरी का। तो हम जो अलाइनमेंट कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमने रफ कैलकुलेट किया है, लेकिन सीटी स्कैन हुआ आपका तर्जरी में याद है, तो उस सीटी स्कैन को जब हमने कंप्यूटर में इसमें डाला तो उसने प्रॉपर अलाइनमेंट दिया कि हम इतने कट लेंगे, इस एंगल पर डालेंगे तो ये डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाएगी, ठीक। ओके, तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके घुटने ख़राब हैं, उनका आर्थराइटिस है और उनका इंश्योरेंस भी है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कराना नहीं चाहते ऑपरेशन। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि पड़ोस में, हाँ मेरे पड़ोस में है, तो उनका क्या क्या क्यों नहीं कराना चाहते वो? वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की तो मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, कोई तो परेशान डर है मन में क्या है कि वो सोचती है कि मतलब मेरी बड़ी वाली बहू है वो परेशान रहती है तो मेरा काम कौन करेगा, मतलब मेरी देखभाल कौन करेगा ऑपरेशन के बाद, टेक केयर। मैंने कहा जब ऐसा आपकी बहू नहीं कर सकती, कोई भी नहीं है मान लो, तो मैंने कहा आप 2-3 महीने आप अपना टेक केयर रख लो फुल टाइम के लिए, बिल्कुल, और एक घर में मेड रख लो खाना वाना बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 1-2 महीने की बात है, उसके बाद आप जब नॉर्मल हो जाओगे तो नहीं सर, मैंने ना 2 महीने बाद 9 जो दिवाली थी नवंबर की थी शायद, हाँ तो मैं घर चली गई थी, ये दोनों बच्चे यहीं पे थे, इनकी वाइफ भी यहीं पे थी, मैंने सारा काम किया, बस झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली लगा रखी थी, लेकिन खाना पीना मैंने खुद बनाया। और लोगों को ये भी होता है कि मेरा ओरिजिनल घुटना है, ओरिजिनल क्यों नहीं बचाया जाए, और ये भी नहीं कि मतलब मैं मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मतलब बैठी रहूँ उसके बाद भी, मैं घूमती रहती थी, मतलब अच्छी बात है। हाँ तो कहने का मतलब है कि जो लोगों के मन में है ना कि हम अपने ओरिजिनल घुटने को क्यों बदलाएं, जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि घुटना बदला नहीं जाता, घुटना तो आप ही का रहता है, वही रहता है। ये ना ये गांव के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो बोलते हैं कि घुटना बदलवाए हैं एक्चुअली, तो मैंने ऐसे कई लोगों को समझाया, आपको समझाता, मैंने कहा ये घुटना नहीं बदला जाता, इसमें वो वाली चीज देखो ये चीज है, ये मैं अपने बहुत सारी वीडियो देखती हूँ तो सब जानती हूँ, देखती रहती हूँ। ये सिर्फ हम सरफेस जो होता है ना उस पर लगाते हैं, ये घुटना आप ही का रहता है जी जी, इसी तरह जो गैप कम हो जाता है जी तो ये हम गैप के लिए डाल देते हैं जी, तो उससे वो गैप बन जाता है जी, ठीक है। अब जैसे आपका एक्सरे है इसमें देखो, ये हमने दोनों, ये ऊपर फीमर एंड दिस इज टिबिया, दो हड्डी हैं जी। अगर हम पहले वाला एक्सरे देखते हैं जब उसमें, तो उसमें गैप बिल्कुल खत्म हो गया था, हड्डी आपस में टच कर रही थी जी, हाँ बहुत पेन था उसका। तो ये घुटना आप ही का, हमने ये कवरिंग लगा दी है जी। अगर हम लैटरल व्यू में देखें तो ये कवरिंग ऐसे लग गई है जी, तो ये चीज ऐसे लग गई आप, हाँ जी इस तरह से ये, हाँ जी ठीक है, हड्डी आप ही की है जी, और ये जो गैप था बीच में देखिए, अब ये हमने गैप क्रिएट कर दिया है जी, तो इस गैप में हमने ये प्लास्टिक की जो पोली जिसको कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, ये चीज लगा दी है, हाँ जी। तो हमने तो सिर्फ एक चीज लगाई है बीच में, घुटना आप ही का, हाँ जी। ये देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है गैप, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बड़ा इंसर्ट डाला है, तो ये डिफरेंट साइज के होते हैं जी, कई बार पेशेंट ये सवाल भी पूछता है, ये मतलब घुटने के गैप कम है इसमें ज्यादा है, ये घुटनों के अकॉर्डिंग डालते होंगे आप, हां तो अगर हमें लगता है ना लिगामेंट थोड़ा सा लैक्स है तो थोड़ा सा बड़ा डाल देते हैं, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग होनी जरूरी है जी। तो मैं तो मतलब बहुत समझाती हूँ उनको, मतलब आप करा लो, मेरे हस्बैंड भी समझाते हैं, हाँ। और अब मेरी 22 फरवरी से काम वाली बिल्कुल चली गई, हाँ। कि मैं खेतों में काम करूंगी ये करूंगी, तो अब मैं पूरा काम खुद ही कर रही हूँ सारा। मतलब दो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, बहुत से मतलब कुछ लोग घबराते हैं और कुछ लोगों को रहता है कि 5 लाख खर्च हो जाएंगे, 6 लाख खर्च हो जाएंगे, 4 लाख खर्च, वो इससे डरते हैं पैसे खर्च करने से, चाहे पैसा रखा रहे, पैसे से जो प्रेम है ना वो भी लोगों का भरा जाता है, पर अपना शरीर तो ज़्यादा, हाँ उनको बहुत समझाया मैंने कहा भाई पैसा अपनी जगह, जब अपना शरीर निरोग रहता है ना उससे बड़ा धन कोई नहीं है, सही बताऊं मैं। और दूसरी चीज में पता क्या है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें जान का खतरा नहीं है, बिल्कुल सही बात, तो इसलिए आदमी इसको प्रोलॉन्ग करता है, हाँ जी, हाँ जी। अब मानो चेस्ट पेन हो गया आपको, हाँ कोई आर्टरी ब्लॉक है जी, तो फिर पैसे तुरंत आ जाते हैं, हाँ जी, क्योंकि इसमें जान का खतरा, जान का खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग लाइफ, इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ जी। अगर आप लंगड़ा के चल रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, आपको 10 कदम नहीं चला जा रहा, तो वो क्या जिंदगी है? जस्ट बगल में घर है मेरे, वो तो बहुत ज्यादा लंगड़ा के चलती, बहुत झूम झूम के मतलब, और उनको बहुत समझाती, मेरे हस्बैंड उनके ऐसे ही उड़ाते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ जी, लेकिन तब भी ऑपरेशन नहीं, अरे अरे वो पता है क्या बहाने लगाती है, अरे कोई कहता है कि कामयाब नहीं होगा, मैंने कहा सबका काम है, मैंने कहा देखो मेरा ही नहीं डॉक्टर साहब ने किया ऑपरेशन, दूसरा नुकसान उनको क्या होने वाला है, जैसे 30-40 डिग्री जी, तो जितना ऐसे चलेंगे उनके स्पाइन में पेन हो जाएगा, होता है इस पहले पेन शुरू हो गया, होता है, हाँ होता है, तो फिर दो ऑपरेशन के साथ साथ तीसरा भी होता है, तीसरा भी, हाँ। तो मैसेज ये है कि अगर आपको अर्थराइटिस है तो आजकल रिजल्ट्स, इम्प्लांट्स, टेक्निक्स और खासतौर पर जब से रोबोटिक सर्जरी आई है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, अपनी जिंदगी खराब ना करें, इंडिपेंडेंट रहें, आपको
थोड़ी दूर भी जाना, किसी की हेल्प चाहिए, कोई लेके जाएगा तो जाएंगे? डेली पेन किलर लेती है, मैंने पूछा था, मतलब फिर आप कैसे करते हो? और क्या, तो आप अपने पूरे शरीर का नुकसान कर रहे हैं, तो आप घुटने जहाँ भी हैं अपने आसपास डॉक्टर से मिलें, नी रिप्लेसमेंट कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, जैसे आँख की सर्जरी होती है, लेंस बदला जाता है, छोटी छोटी सर्जरीज में, हाँ जी, और ये इसी एज में होता है, क्योंकि लोग कहते हैं जी मेरी तो उम्र 70 साल हो गई, मैं क्या ऑपरेशन कराऊँ, बट ये होती इस उम्र में है, ठीक है? तो प्लीज़ अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान दें, और ये वीडियोज घर में से ना, एक उनकी देवरानी ने कराई थी ये नी सर्जरी, तो उन्होंने ना थेरेपी नहीं ली, और थेरेपी के बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद भी वो बहुत ज़्यादा लंगड़ा के चलती हैं, समझ लो, पैसे से इतना प्यार है उनको। ये एक और चीज़, पेशेंट अपने आप बताते हैं, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सर्जरी से कितनी अच्छी करो। नहीं, मैंने बोला, मैंने कहा बिना फिजियोथेरेपी के आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल ही नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू, और ऐसे चलते रहो और ऐसे मुस्कुराते रहो।